Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here we are going to discuss an another characteristics of company that is separate management. Separate management company is the form of business in which management is not vested in the hands of owners. Matlab, कंपनी में ऐसा जरूरी नहीं होता कि कंपनी की जिसके पास ओनरशिप हो उन्हीं के पास कंपनी का कंट्रोल भी हो यानी कि ऐसा नहीं होता कि जहां पे ओनरशिप हो उन्हीं के पास कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर भी हो कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं जैसे सोल फर्म में होता है वहां पे जो पैसे लेकर आता है वही कंट्रोल भी करता है उसमें सिंगल पर्सन मैनेजेस द होल बिजनेस बट कंपनी में ऐसा नहीं होता कंपनी में ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स वेयर एज द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पावर इज ऑन बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं कंपनी के ओनर्स क्यों क्योंकि कंपनी में उन्होंने ही पैसे इन्वेस्ट किए हैं और कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो ही कंपनी को मैनेज भी करें और डिसीजन मेकिंग पावर भी उन्हीं के पास हो कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास शेयर होल्डर्स ओनर्स ऑफ द कंपनी इलेक्ट डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड ऑफ ऑफ़ डायरेक्टर कंपनी टू कंट्रोल द मैनेजमेंट मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो कंपनी के ओनर्स तो होते हैं बट ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हीं के हैंड्स में डिसीजन मेकिंग पावर हो कंपनी की अब शेयरहोल्डर्स के पास यह राइट right होता है कि वो चूज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एज दी डायरेक्टर ऑन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि शेयरहोल्डर्स ही चूज करते हैं कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होगा वो चाहें तो खुद भी एज अ डायरेक्टर बन सकते हैं या अपने में से ही किसी मेंबर को बिठा सकते हैं और वो चाहें तो किसी रैंडम पर्सन को भी एज अ डायरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो शेयर होल्डर्स ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं एज डायरेक्टर्स टू कंट्रोल द मैनेजमेंट थैंक यू सो मच आई होप दिस इज क्लियर नाउ विल बी शेयरिंग नेक्स्ट फीचर इन माई नेक्स्ट वीडियो सो स्टे कनेक्टेड